आप लोग भी तो ऐसे ही जाते हो। महाराज हमारा हाथ देख दीजिए, हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? अच्छा महाराज जी क्या करेंगे तेरे हाथ देखकर? महाराज देखो तो सही नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? तुम सोते रहो और महाराज जी कह दे नौकरी लग जाएगी, तो कभी लग जाएगी क्या? नौकरी के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। नौकरी जो चाहते हो जैसी चाहते हो उसके लिए जो जो कार्यवाही है, जो प्रयास है, वो सब करने पड़ेंगे। अब इसमें महाराज क्या करेंगे? महाराज जी देखो तो हमारे घर में पोता आएगा कि नहीं, महाराज जी क्या करेंगे? महाराज जी मेरे बेटे की नौकरी, महाराज जी मेरे पास। अब जब तुम पैर पकड़ ही लोगे और छोड़ोगे ही नहीं, तो महाराज जी पैर छुड़ाने के लिए कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। भविष्य दिखाते हो, किसको भविष्य पता है? एक तरह से त्रिकालदर्शी हर एक व्यक्ति बन सकता है, सबको अपना भविष्य पता हो सकता है। तीनों समय का देखने वाला, थोड़ा दृष्टि को ध्यान से देखो तो सबको अपना भविष्य पता हो सकता है। भूत तो आपने देखा ही है, और जो वर्तमान कर रहे हो उसे भविष्य बनने वाला है। ये सबको पता है कि जो आज कर रहा हूँ उससे ही मेरा आगे का भविष्य बनने वाला है, तय होने वाला है, तो इसमें हाथ दिखाने की जरूरत क्या? और मान लीजिए, आप उदाहरण के लिए सोचो, मैं हमेशा कहती हूँ कि इन हाथों की लकीरों पर क्या जाते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाथ की लकीर दिखा रहे हो, देखो इस हाथ में क्या है, लेकिन जिसका हाथ ही नहीं है, क्या उसकी कोई किस्मत नहीं है क्या? किस्मत तो उनकी भी है। किस्मत हाथ की लकीरें नहीं लिखती हैं, किस्मत लिखा करता है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका जज्बा। पंखों से यहां कुछ नहीं होता है, पंख सबके हैं, आपके हौसले में उड़ान होनी चाहिए। कितना ऊंचा उड़ोगे ये पंख तय नहीं करती, आपका हौसला तय करता है। आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता मुझे बताइए? सफल होना कौन नहीं चाहता है मुझे बताइए? कौन नहीं चाहता कि मैं दुनिया में सबसे आगे बढ़ूं, सबसे ज्यादा धन मेरे पास हो, पदवी मेरे पास हो, सब कुछ मेरे पास हो? चाहता हर एक व्यक्ति है, लेकिन चाहत के लिए कुछ करना भी पड़ता है। आप रजाई में मुंह ढक करके सोते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक चलाते हुए यूट्यूब पे देख रहे हो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बना जाए, और फिर देखकर चुपचाप सो गए। बन जाओगे क्या? बन गए आप क्या? केवल चाहने मात्र से सब होता है? चाहत जरूरी है, चाहना जरूरी है, लेकिन चाहने के साथ साथ आपको उस लक्ष्य के लिए दिन और रात पागल होना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको चलना पड़ेगा। सब चाहते हैं, पूरे गांव में सबकी नौकरी लगे, सबकी लग सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन सबको प्रयास करना पड़ेगा। सबके प्रयास नहीं है। जब विद्यार्थी 50 विद्यार्थी एक कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन कोई एक ही फर्स्ट आता है, सब तो नहीं आते। कुछ गिने चुने विद्यार्थी ही आगे बढ़ते हैं, सब नहीं बढ़ते, क्योंकि कुछों का प्रयास ज्यादा होता है और कुछों का प्रयास कम होता है। आपने एक बहुत अच्छी बात, शायद एक कविता सुनी होगी हरिवंश राय बच्चन जी की, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सब गांव वालों ने मिलकर कोशिश की, उसी का परिणाम है ये भव्य श्रीमद देवी भागवत कथा और ये महायज्ञ। ये केवल आप सबके प्रयासों का परिणाम है। कोशिश करने वालों की कभी, नन्नी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरना चढ़ना चढ़कर नहीं गिरना नहीं अखरता है, और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।
असफलता तो एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहते सभी हैं पर उस चाहत को पूरा करने के लिए मेहनत सब नहीं कर पाते। नींद त्यागनी पड़ती है, सुख चैन छोड़ना पड़ता है, कष्टों पर कांटों पर चलना पड़ता है, कष्टों से गुजरना पड़ता है, तप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आंखें सपने देखती हैं, लेकिन आंखें सपने देखें पर खुली आंखों से सपने देखें तो सच होते हैं। बंद आंखों से हम सब रोज सपने देख लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के वो शब्द मुझे बड़े प्यारे लगते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। इसलिए मत दिखाओ कभी किसी को अपना हाथ, मत पूछो किसी से भविष्य। आप स्वयं जानते हो आपका भविष्य क्या होगा। स्वयं पता है, अगर अच्छी आपने पढ़ाई की है पूरे वर्ष तो परीक्षा अच्छी ही दोगे, और अच्छी परीक्षा दी है तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। सब जानते हो, लेकिन दुर्गा मैया के सामने हाथ जोड़ कर कहते, हे दुर्गा मैया मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। दुर्गा मैया क्या लिख के आएंगी वहां पर, क्या करें दुर्गा मैया? कुछ नहीं पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, और नहीं लिखोगे तो कैसे नंबर आएंगे? और लिख के आगे वहां पे कुछ आता ही नहीं है तो लिख के आगे, गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है। और फिर टीचर ने देखा, शिक्षक ने भी देखा गुस्से में, उसने कहा बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। और क्या करेंगे, डर की भक्ति है ये। मत समझना कि आप प्रेम की भक्ति करो, ये डर की भक्ति। ये जो हाथ जुड़ रहे हैं ना, ये डर की वजह से। पास कर देना, ये कर देना, वो कर देना। हमारे ब्रज में डर की भक्ति नहीं होती, हमारे ब्रज में प्रेम की भक्ति होती है। प्रेम से कृष्ण को अपना मानते हैं, हृदय से ठाकुर को अपना मानते हैं, उसी से लड़ते हैं, उसी से झगड़ते हैं, उसको अपना मित्र सखा इष्ट सब कुछ मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये बलि की बलि, ये जो बकरे की बलि है, ये भी डर की भक्ति। आपको लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये भी डर की वजह से। ये भक्ति कभी सफल नहीं होती। भक्ति वही सफल है जो बिना डर के प्रेम से की जाए। और मैं कहती हूँ भगवान की पूजा करो ना करो, लेकिन भगवान से प्रेम करना सीख जाओ, यही उसकी पूजा है।